नागपुर शहर के नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं के संबंध में समस्याओं पर प्रकाश डालकर उनका समाधान किए जाने के लिए पूर्व सत्ता पक्ष नेता अविनाश ठाकरे, पूर्व पार्षद विक्की कुकरेजा व भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों व अन्य कार्यकर्ताओं द्वारा नागपुर महानगर पालिका नगर आयुक्त राधाकृष्णन बी को निवेदन पत्र सौंपा गया। शहर की भारतीय जनता पार्टी द्वारा नगर आयुक्त को सौंपे गए निवेदन पत्र में पेयजल की समस्या के समाधान, जलापूर्ति क्षेत्रों में टैंकर की व्यवस्था, हाल ही में हुई तूफानी बारिश के कारण रास्ते पर गिरे पेड़ों को फौरन उठाए जाने, नागरिकों द्वारा बस्ती से निकलने वाले कचरे की शिकायत, कूड़ा उठाव के संबंध में तत्काल कार्रवाई करने, आने वाले मानसून से पहले बस्तियों में नदियों, नालों और बरसाती नालों की तत्काल सफाई करने, तूफानी बारिश के कारण कई इलाकों में खराब हो चुके लाइटिंग सिस्टम को तुरंत ठीक करने जैसी अनेक समस्याओं का निवारण करने की मांग की गई। इन सभी समस्याओं पर एनएमसी द्वारा तत्काल कार्य किए जाए, ऐसी मांग पूर्व सत्ता पक्ष नेता अविनाश ठाकरे द्वारा की गई है। नागपूर शहरामध्ये भारतीय जनता पार्टी जी 2007 ला पहिल्यांदा सत्ता आली त्याच्यानंतर आम्ही मोठ्या प्रमाणात टाक्या वाढवल्या। अजूनही शहराच्या विस्तारामध्ये असा भाग आहे ज्या ठिकाणी टाक्यांचे पाण्याच्या टाक्यांचे कामं सुरू आहे, त्यामुळे तिथे कमी दाबाचा पट्टा आहे। तर त्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामध्ये नागरिकांना रेग्युलर पाणी मिळण्याकरता एक व्यवस्था दर उन्हाळ्यामध्ये प्रशासनातर्फे होत असते वॉल ॲडजस्टमेंटची, ती अजून झालेली नाही, त्यामुळे त्या भागातले नागरिक पाण्यापासून वंचित आहे। तर ती व्यवस्था ताबडतोब प्रशासनाने करावी ही पहिली मागणी होती आमची। त्याचबरोबर आत्ता जो पाऊस आला, वादळी पाऊस आला, त्यामध्ये अनेक झाडं वगैरे तुटली, त्यातल्या बरेचसे झाडं रस्त्यावर पडलेल्या नागरिकांना आवागमनाला त्रास होत आहे, तर ते ताबडतोब उचलावे। त्याचबरोबर येणारा पावसाळा बघता पावसाळ्याच्या अगोदर नाले सफाई, इंटरनल नाल्या सफाई आणि नदी सफाई ही होणं आवश्यक आहे। याच्यावर प्रशासनाची अजून कुठल्याही प्रकारची नियोजन बैठक झाली नाही आणि ह्या नाल्यांची सफाई नाही झाली, नदींची सफाई नाही झाली, तर येणाऱ्या पावसाळ्यामध्ये लोकांच्या घरात पाणी घुसायची शक्यता आहे। म्हणून त्याची ताबडतोब नियोजनाची बैठक घ्यावी आणि ते नियोजन मार्गी लावून साफसफाई सुरू करावी। ज्या वादळी पावसामुळे अनेक ठिकाणची प्रकाश व्यवस्था खंडित झालेली आहे, ती ताबडतोब प्रशासनाने दुरुस्त करावी, अशा प्रकारच्या मागण्यांचं निवेदनात आम्ही आयुक्तांना दिलेलं आहे। त्या निवेदनाच्या आधारे येणाऱ्या काळामध्ये लवकरच जे विभाग सहायक आयुक्त त्यांची एक बैठक घेऊन त्या बैठकीमध्ये हे सगळेच्या सगळे विषय मार्गी लावून नागरिकांना न्याय देण्याचा प्रयत्न करू, अशा प्रकारचं आश्वासन माननीय आयुक्तांनी आम्हाला दिले। वही निवेदन सौंपे जाने के बाद पूर्व पार्षद विक्की कुकरेजा ने कहा कि काम करने वाले प्रशासन को किसी समस्या से अवगत कराना जरूरी है। साथ ही उन्होंने कहा कि नागपुर शहर में स्वच्छता की गति और बढ़नी चाहिए, साथ ही इस संबंध में नगर आयुक्त से किन मुद्दों पर चर्चा हुई इसकी जानकारी भी पूर्व पार्षद ने साझा की है। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय सभी नगर सेवक जो महानगर पालिका में जो काम कर रहे थे और हमारे विशेष रूप से उस समय के सत्ता पक्ष नेता अविनाश ठाकरे जी, पूर्व महापौर दयाशंकर तिवारी जी, इनके नेतृत्व में हम सब लोग नगर सेवक यहाँ माननीय महानगर पालिका आयुक्त से मिले। महानगर पालिका की जो ज्वलंत जरूरतें हैं, अभी क्या है, प्रशासन ही काम कर रहा, तो प्रशासन को वो अवगत कराना अत्यंत आवश्यक है। नागपुर शहर में स्वच्छता बढ़नी चाहिए, स्वच्छता के साथ साथ सीवरेज की जो प्रॉब्लम बढ़े हुए उसकी जानकारी देने के लिए हम विशेष रूप से आए। जो नाला सफाई का कार्य हर साल शुरू हो जाता है, इस बार बारिश के कारण कही है, जैसा माननीय आयुक्त ने बताया उसके कारण डिले हुआ, लेकिन उसको तुरंत चालू करने की आवश्यकता है। वैसे सारे मुद्दे हमने उनकी जानकारी में दिए। नॉन नेटवर्किंग एरिया जो शहर भर में है, जहाँ पानी की हर बार अड़चन जाती है, वहाँ पर टैंकरों की किल्लत हो रही है, वहाँ पानी पहुँचाने का जो अमृत के माध्यम से जो योजना थी उसके माध्यम से कुछ कार्य शुरू हो सकते हैं, जहाँ पर पानी शुरुआत हो सकती है, उसके बारे में चर्चा हुई और ऐसे बहुत सारे विषय इनके ऊपर में महानगर पालिका के शहर के जो कार्य है वो आयुक्त को जानकारी देने का काम आज भारतीय जनता पार्टी के नगर सेवकों ने यह आयुक्त को दी है। इसी के साथ ही पूर्व पार्षद द्वारा कहा गया कि नागरिकों द्वारा नगर सेवकों के पास समस्याओं को लेकर कई शिकायतें आ रही थी, जिसे हल करने के उद्देश्य से आज नगर सेवकों द्वारा नगर आयुक्त को निवेदन पत्र दिया गया है, जिसके बाद उम्मीद की जाती है कि इन समस्याओं पर प्रशासन तत्काल कार्य कर समस्याओं को हल करे। आमच्याकडे रोज नागरिक येतात, आम्ही नागरिकांचा प्रश्न सोडवण्याचा पूर्णपणे प्रयत्न करतो। जसं चौकीची कचऱ्याच्या गाड्या रेग्युलर नाही आहे एजी एन्व्हायरमेंटच्या, तर अनेक समस्या आहे। आमचे सत्ता पक्ष नेते अविनाशजी ठाकरे यांनी आज निवेदन दिलं आहे कमिशनर साहेबांना की शहरामध्ये अनेक समस्या आहे,
पावसाळा जवळ येतोय आणि नाल्याची सफाई झालेली नाही आहे, अनेक ठिकाणी सिवर लाईनचे मेजर प्रॉब्लेम आहे, अशा अनेक समस्या आहे. अनेक भागामध्ये टँकर वाढवलेले नाही आहे, अनेक भागामध्ये पाण्याच्या समस्या आहे, अशा पूर्ण शहराच्या ज्या नगरसेवकांच्या पूर्णपणे समस्या आहे त्या समस्येचं निवेदन आज कमिशनर साहेबांनी आम्ही सर्व नगरसेवकांनी मिळून आज इथे दिलेलं आहे.